हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित यादव। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सुपर फ्यूचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम आपको सरलीकरण का ये क्वेश्चन बताएंगे, जो कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में आएगा। आंसर कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका इसमें कोई वो झंझट नहीं है कि बस 2 सेकंड में नहीं, शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे आपको, एक अच्छी ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व। बेसिकली चीज अपन क्या करते हैं, इसको भिन्न मानते हैं। तो क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऐसे अपॉन में था, एलसीएम ले रख लेंगे, फिर इसका भाग देंगे। वो भी जो भिन्न करते हैं वो होता है, लेकिन हमको ट्रिक बताएंगे। देखो ध्यान से देखना दोस्तों, ये पहला वाला जो 2 है, पहला वाला 2, इसको अपन 2 भागों में तोड़ेंगे। तो कौन सा लेंगे, 1 × 2, 2, तो 1 और 2, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का। तो दोस्तों जब 1 अपन ने ऐसे तोड़ लिया, 2 वाला पहला वाला, तो सभी 6 लिखा है, 12 लिखा है, जितने भी पेयर हैं 6, 12, 20, 30, 42, इनको भी ऐसे ही तोड़ना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर 1 का ही हो। देखो दोस्तों, ऐसे कितने तोड़ेंगे, 6 को कितना तोड़ेंगे, 2 × 2 × 3, यानी दोनों के बीच में अंतर कितना, 1 का। ऐसे कितने तोड़ेंगे दोस्तों, देखना, 12, 3 × 4, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। ऐसे दोस्तों ऐसे कितने तोड़ेंगे, 20 को 4 × 5, ऐसे दोस्तों इसे भी तोड़ देंगे, 5 × 6, ऐसे दोस्तों ऐसे भी तोड़ेंगे तो 6 × 7। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सब बता दिया, इनके बीच का अंतर 1 है, 1 इसका बीच का अंतर। दोस्तों अपन को सब करना है, लेकिन अपन को जब कहीं जल्दी करना होता है एग्जाम में, कि हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं सबको, अगर जल्दी करना होता है तो स्टार्टिंग के 2 चेक करो, आखिरी वाला चेक कर लो, और वैसे भी बीच वाले का इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अब सबके बीच में अंतर 1-1 आ रहा है, अपन को अंदाजा लग जाएगा टूट रहा, जब लिखना नहीं है तो अपन को अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ 2-1 में टूटा, 1 अंतर, बीच का अंतर 1। तो इसकी ट्रिक क्या रहती है दोस्तों, देखना, इसकी ट्रिक रहती है दोस्तों, देखना, ये दिख रहा है ना, ये हो गया पूरा। ठीक, इसकी ट्रिक होती है, जो पहले वाला लिखा है, यानी जो 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, तो जो पहले वाला होता है उसे 1 के बटे में रखते हैं। ये वाला 1 कहाँ रख दिया, इधर रख दिया। ठीक, माइनस लगा के जो आखिरी वाला है वो रखते हैं, यानी 1/7, और इसके बटे में क्या रखते हैं, जो बीच में अंतर चल रहा है, अंतर दोस्तों कितने चल रहा है, 1 का, तो अपने 1 लिख लिया। इसको सॉल्व भी कैसे करते हैं, देखो ये तो 1 ही माना जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं भाई, एल्शियम 7 आएगा मान लो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 7 × 1/1, यानी तो ऐसे पहले एल्शियम लेके बता दे रहा हूँ, 7 × 7, 1 का भाग 7 मिलेगा, 7 बार 7 को बढ़ाएंगे, 7 × 7 − 1, यानी कितना आ जाएगा, 6/7 अपॉन में दोस्तों ये वाले 1 चल रहा है, तो ये 1 लिखो या मत लिखो, तो 6/7 हो जाएगा आंसर अपना। ठीक, या फिर कैसे कर सकते हैं इसको, अपन डायरेक्ट 1/1 होता है, जो 1/1 होता है, देखना दोस्तों, जो 1/1 होता है इसको अपन 1 भी मान सकते हैं। तो इतना अपन न करने के अलावा कैसे कर सकते हैं, देखना, इधर बता देता हूँ, अगर जी इतना लिखा है, जो इतना लिखा है इतना, इसको जैसे 1/1 को 1 ही तो मानते हैं, −1/7 लिखा है, बटे में 1 लिखा है, तो कैसे करते हैं, 7 × 7, 7 में तो 1 गया, 6, यानी दोस्तों कितना आ गया, 6/7 अपॉन में 1 लिखते ही नहीं, तो ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, तो देखते हैं अब अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, ये सवाल नंबर अपना 2 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करते हैं, यही अपना अभी वाला तरीका अपनाएंगे, बहुत सरल है। देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, 1 × 2 में दोनों के बीच में अंतर 1 का। ठीक, इसको कैसे तोड़ेंगे, 6 को 2 × 3, बीच का अंतर 1 का। दोस्तों ऐसे ऐसे कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे अपन 13 × 14, दोनों के बीच का अंतर 1 ही रहेगा, तो दोस्तों इसका भी 1 रहेगा, और इसका भी 1 ही आ रहा है, क्योंकि 3 × 4, तो इसका भी अंतर दोस्तों कितना आ रहा है, बीच का 1 ही आ रहा है। तो और भी संख्याएं जो इधर में लिखी हुई हैं, ये प्लस करके इधर में लिखी हुई, डॉट डॉट करके लिखी हुई है बीच में, तो वो भी तो ये डॉट डॉट लिखा हुआ है दोस्तों, डॉट डॉट डॉट, वो भी तो ऐसे ही प्लस में लिखी हुई, उनके बीच में अंतर 1 होगा। ठीक, तो उनको उनके भी बीच में अंतर 1 होगा, तो वही ट्रक अपनाएंगे, ये पहला वाला ठीक माइनस आखिरी वाला 1/14, पहला वाला बटे में 1 लगती है, तो वही 14 × 14, 14 में से गया, यानी 13/14, ये
ये तो अपना हो गया आंसर शॉर्ट में, क्योंकि 14 ये तो पूरा वाला ये तो ये ही माना जाता है केवल एक, तो 1 - 1/14 हो गया, 14 में से 1 ही 13/14। तो दोस्तों ये वाला आंसर हो गया। और यहाँ पे इसे बेसिक से कैसे करते हैं दोस्तों, देखो जैसे ये लिखा है ठीक है 1/1, तो इसे बेसिक से कैसे करते हैं भाई, 14 का 1 का एलसीएम लेंगे 14 आएगा, 1 का भाग 14 में 14 बार जाएगा, 14 × 1 = 14 भिन्न हो गई, 14 का 14 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 × 1 = 1 होगा, 14 में से 1 गया तब आ गया 13 और बटे में कितना हो गया 14, तो ये अपना आंसर हो गया। देखिए दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए दोस्तों ये लिखा है अपना क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करते हैं, वही पिछले वाली ट्रिक एक बार फिर से देखिए, इन इसका फैक्टर करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो, और इसको भी 2 भागों में तोड़ेंगे, तो ये इसका ऐसे तोड़ना है कि जो इसके 2 भाग किए हैं, जैसा कि अपन ने किया है इसके 2 का कैसे तोड़ सकते हैं, 1 × 2, दोनों बीच में अंतर कितना आ रहा है 1 का। हाँ दोस्तों तभी इस ट्रक को कर सकते हैं जब सभी के बीच में अंतर समान का आए, यानी अंतर कितना भी आए, 1-1 आए या फिर 2-2 आए, 3-3 आए, 4-4, अंतर कितना भी आएगा लेकिन समान ही आएगा, क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही रखे जाते हैं ठीक। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अपन देते हैं, चाहे SSC का दे लो, पुलिस का दे लो, MP पुलिस का दे लो, UP पुलिस का दे लो, बिहार पुलिस का यानी ऑल इंडिया पुलिस में, और या फिर किसी का भी अपन कम्पिटिटिव लेवल में एग्जाम दे लो, तो यही क्वेश्चन ऐसे ही डाले जाते हैं, उनके बीच में अंतर एक सा होगा, क्योंकि एग्जाम कराने वाले भी तो इंसान ही होते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगे दें ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर होता है, क्वेश्चन तरीके का होना चाहिए, बच्चा सॉल्व कर ले, कोई भी स्टूडेंट हो तो सॉल्व कर ले कैंडिडेट्स। इसका करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 2×3, तो बीच में अंतर 1 आएगा, तो दोस्तों अपने को यही देखना है इसके बीच में अंतर, इसका भी ट्राई कर ले, 3×4 हो गया, इसका भी अंतर 1 रहेगा, वही सेम सवाल है, ऐसे इसको देखेंगे, इसका भी फैक्टर ऐसे करना है, दोनों के बीच में अंतर 1 रहे, तो इसका कितना आएगा दोस्तों ट्राई करो, इसका आएगा 9, इसके फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा 99×100, छोटा फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा आ रहा है, तो छोटा यानी बड़ा, 99 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 100 आएगा दोस्तों ठीक, तो 99 100 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे पहले वाला, यानी 1/1 - 1/100, अब भाई 100 × 100 100 में तेज दिया कितना हो गया 99/100 ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या हो गया आंसर ठीक। देखते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए दोस्तों ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 अपना, ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन बहुत यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है, तो देखना दोस्तों इसको कैसे करते हैं, बहुत अच्छा, तो वही यही चीज़ देखते हैं कि अंतर, देखो वही वैसे स्वयं तरीका है, अभी अपन पीछे करके दे रहे थे वैसे ही स्वयं तरीका है, वही 1×2 यानी 2×1 2, 2×3 6 × 2 अंतर बीच में 1 का, अंतर बीच में 1 का, अब देखना दोस्तों इनके भी बीच में अंतर तो 1 का ही आ रहा है, क्योंकि कोई भी अपन क्रमागत संख्या देखते हैं, कोई भी क्रमागत संख्या देखो दोस्तों तो क्या होता है अंतर 1 का ही रहता है, एक संख्या क्रम से लेते हैं x, तो अगली लेते हैं अपन x + 1 लेते हैं कि नहीं लेते, क्योंकि अगर ज़्यादा मान लो x की वैल्यू 2 है तो ये कितनी हो जाएगी x की वैल्यू, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, या फिर x की वैल्यू मान लो 10 है तो भाई 10 + 1 यानी कितना हो गया 11, यानी ये भी तो इनके बीच में, तो इनके बीच में भी तो अंतर 1 का रहेगा, तो इनके भी बीच में अंतर 1 का रहेगा दोस्तों, तो इनके बीच में अंतर कितना आएगा 1 का, तो वही स्वयं तरीका दोस्तों, देखो पहले वाला 1/1 - आखिरी वाला 1/x + 1, अब इसका भी वही तरीका है, स्वयं तरीका कौन सा, और बीच बटे में जो अंतर रहता है वो रहेगा 1, 1 अंतर है तो अपन लिखेंगे नहीं, लेकिन हाँ हर एक सवाल में लिखेंगे जरूर अंतर जितना भी होगा नीचे ठीक। इसका कैसे करेंगे भाई, x + 1 x + 1 - यानी x + 1 क्या हो जाएगा, x + 1 - 1/x + 1 ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा ठीक, 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा तो बचेगा x / x + 1, तो ये दोस्तों अपने क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन में दिया हुआ होता है अपन को। हाँ इसका बेसिकली कैसे किया मैंने अपने देख सकते हैं कैसे कैसे किया, देखो इसका इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x + 1 ही तो आएगा, 1 का भाग x + 1 में देंगे तो x + 1 बार जाएगा, x + 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x + 1 का ही होगा ठीक दोस्तों, अब x + 1 का भाग x + 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही रहेगा, तो ये फिर यही 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा, वही x / x + 1 ही
बचेगा दोस्तों, ये आंसर होता है। लेकिन दोस्तों हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में उनको ये नहीं दिया होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन में ये नहीं दिया जाता है। तो पता है कैसे रखे जाते हैं ऑप्शंस? ऑप्शन आपको बताएं, ऑप्शन रखे जाते हैं, जैसे ऑप्शन रखा हो ए में, ऑप्शन रखा हो एक से अधिक, बी लिखा हो एक के बराबर, सी लिखा हो एक से कम, डी लिखा हो इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो देखना दोस्तों, इसका अगर ये ऑप्शन में ना दिया हो, अगर ऐसे लिख के दे दिया, तो अपन कौन सा आंसर सही मानेंगे? तो इसको अपन देखते हैं। तो सुनो, हम आपको बताएं कि ये हमेशा एक से कम रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है इसका, हमेशा एक से कम होता है। तो बोलो एक से कम कैसे होता है? ये संख्या है वो एक से कम है, एक से कम कैसे है? तो अपन देखते हैं। सपोज दैट, इसको साफ कर देता हूँ, सपोज दैट मान लो अपन कि आंसर आया इसका, मान लो 4/5 ही आ गया, ठीक, या कितना भी समझ लो 2/3 आ गया, मान लो 2/3 आ गया, ठीक। अब देखना, 3 का भाग अपन अगर 2 में देंगे, 2 में अगर 3 का भाग देंगे तो जाएगा तो नहीं, पॉइंट लगा के रखना पड़ेगा, तब जाएगा 18, यानी जो भी जाएगा जितना भी जाएगा। तो क्या ये संख्या एक से अधिक आ रही है या एक के बराबर आ रही है? नहीं ना, क्योंकि दोस्तों ये एक से कम आ रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? इसकी जगह पे अगर ये ना लिखा हो तो आंसर में ऐसा लिखा होगा एक से कम, एक से कम लिखा हो। ठीक दोस्तों, अब अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करते हैं, वही सेम तरीका। इसको कैसे तोड़ेंगे? 1 × 3, अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। इसको कैसे तोड़ेंगे? 3 × 15 को कैसे तोड़ेंगे? देखो, 15 को 3 × 5, अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। इसको कैसे करेंगे? 35 को 5 × 7, अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। इसको भी जोड़ेंगे तो यानी 7 × 9, यानी 7 × 63, यानी 2 का अंतर 2-2 का आ रहा है, 2-2 से। तो ये बीच वाले कोई मतलब नहीं लिखेंगे, सब तो सब चेक करना था, 2 का आ रहा है, कर लिया। और वही तरीका, यानी पहला वाला 1/1 माइनस आखिरी वाला 1/9 अपॉन में जो अंतर है वो 2 रख लिया दोस्तों। अब कैसे करेंगे? वही 9 × 1 9, 9 में से 1 गया, यानी 8/9 / 2। अब क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी 8/9 × 2, 200 + 2 = 8, यानी 4/9 आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, बहुत सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे? वही पहले की तरह स्वयं कंडीशन है, स्वयं तरीका। 1/3 यानी 2 का अंतर, इसका भी हो जाएगा 3 × 3 यानी 3 × 5, वही 2 का अंतर। ऐसे दोस्तों इसका भी हो जाएगा, इसका कितना होगा देखो भाई, इसका ऐसा मतलब 11 × 13। ठीक दोस्तों, 11 × 13, तो इसका भी हो जाएगा वही 2 का अंतर। तो वही सेम तरीका, यानी पहले वाला 1/1 माइनस आखिरी वाला यानी 1/13 अपॉन में अंतर कितने कितने का आ रहा है दोस्तों? 2-2 का आ रहा है ना, 2 का। वही 13 × 1 13, 13 में से गया, यानी 12/13 अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई 13 में, यानी 12/13 × 2, तो 2 से ये क्रॉस होगा 6 बार, यानी 6 × 6/13, ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने भी का भी अंतर हो अपन ऐसे ही कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और सवाल अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और जो भी दोस्त आपका कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कहीं स्टडी कर रहा है तो उसको वीडियो शेयर करें। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।